क्वेश्चन में हमें इंटरवल्स निकालने हैं इस फंक्शन के, जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। इंटरवल्स निकालने हैं, यानी हमें निकालना है एफ डैश एक्स, उसे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे एंड एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर इससे हम इंटरवल्स निकालेंगे। यहाँ पे नोटिस करिए, अगर हमें बोला होता है क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करने के लिए, तो उसके लिए हम चेक करते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो उसके लिए हम चेक करते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। बट क्योंकि यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे चेक करेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। कॉस थीटा जीरो होता है हमारा पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई टू पे, तो यानी थ्री एक्स आ जाएगा इक्वल टू पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई टू। एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है पाई बाई सिक्स एंड पाई बाई टू, ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए। इंटरवल हमें गिवन था जीरो टू पाई बाई टू, तो एक पॉइंट आ गया पाई बाई सिक्स एंड पाई बाई टू पहले से था, तो ये दो हमारे इंटरवल्स आ गए हैं। ये जो दो हमारे पॉइंट्स आए हैं, ये जो हमें गिवन इंटरवल है उसमें लाई करते हैं, तो यानी ये पॉइंट्स वैलिड है, तो इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ऐसे हमारे इंटरवल आ जाएंगे। अब पहले इंटरवल के लिए हमने एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। इस केस के लिए हमें गिवन है एक्स लाई कर रहा है पाई बाई सिक्स से जीरो के बीच में, एंगल है हमारे पास थ्री एक्स, तो इस पूरी चीज़ को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जीरो, ये होगा थ्री एक्स, एंड पाई बाई सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा पाई बाई टू, यानी हमारा कॉस थ्री एक्स एंगल लाई कर रहा है जीरो से पाई बाई टू। अब इसकी वैल्यू चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, हम ये चेक करते हैं, ये होता है ज़ीरो, ये होता है पाई बाई टू, ये होता है पाई, एंड ये होता है थ्री पाई बाई टू। ज़ीरो से पाई बाई टू यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कॉस थ्री एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड थ्री कॉन्स्टेंट है हमारा, तो एफ डैश एक्स हमारा पूरा पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इतना लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे हमारा थ्री एक्स एंगल लाई करेगा जीरो टू पाई बाई टू, फिर कॉस थ्री एक्स ग्रेटर देन जीरो का इस इंटरवल के लिए, यानी हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है फॉर दिस इंटरवल। हमें चेक करना है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू के लिए हम अपने इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे, तो यानी हम यहाँ पे निकालेंगे एफ डैश जीरो एंड एफ डैश पाई बाई सिक्स, ये हो जाएगा थ्री कॉस थ्री इंटू जीरो, ये होगा थ्री कॉस थ्री इंटू पाई बाई सिक्स। कॉस जीरो होता है वन, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी थ्री, एंड ये होता है ज़ीरो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, यानी हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर दिस इंटरवल। इसीलिए वी कैन से अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल के लिए देखते हैं, इस केस के लिए हमें गिवन है एक्स की वैल्यू लाई कर रही है पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू के बीच में, एंगल था हमारे पास थ्री एक्स, तो इस पूरी चीज़ को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू थ्री एक्स, एंड ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, यानी हमारा कॉस थ्री एक्स लाई करेगा पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में। अब इसका साइन चेक करने के लिए ये देखते हैं, ये ज़ीरो होता है, ये पाई बाई टू, ये पाई एंड थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉस दोनों ही क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, तो यानी कॉस थ्री एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव, यानी लेस दैन ज़ीरो, एंड थ्री हमारा कॉन्स्टेंट है, तो यानी हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है लेस दैन ज़ीरो। इतनी चीज़ को हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे थ्री एक्स हमारा लाई करेगा पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में, कॉस थ्री एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी लेस दैन ज़ीरो फॉर दिस इंटरवल, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है लेस दैन ज़ीरो फॉर दिस इंटरवल। हमें चेक करना है हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा एफ डैश एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वल टू के लिए हम इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे, यानी हम निकालेंगे एफ डैश पाई बाई सिक्स एंड एफ डैश पाई बाई टू, इनकी वैल्यूज हमने अभी निकाली थी, ये आ रही हैं ज़ीरो। अब क्योंकि वैल्यू ज़ीरो भी आ रही हैं, तो यानी ये एंड पॉइंट्स भी काउंट होंगे, तो इसलिए ये वाले ब्रैकेट्स आ जाएंगे, तो हमारा एफ डैश एक्स आ रहा है लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर दिस इंटरवल, यानी इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे ये ऐसे वाले ब्रैकेट्स इसलिए आए हैं क्योंकि इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स भी काउंट हुए हैं एंड इन पे भी वैल्यूज चेक हुई है, इसलिए वी कैन से दैट अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल।